गाइस वेलकम बैक ट्रांसमिटर के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। गाइस लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये एक छोटा सा बांध बनाया था और ये छोटा सा बांध इसलिए बनाया क्योंकि इसमें बीफ काउ आने वाले और वो भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल, नो मेल। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट करके बोला था कि यार आप मेल लेकर आओ तो आपको बार बार परचेस करना नहीं पड़ेगा, बट अगेन एक मेल और एक फीमेल आने का, उसमें से मेल भी हो सकता है उसमें से फीमेल भी हो सकता है, फिर वही अगर उनको मैं मारूंगा फिर तुम लोग नेगेटिव कमेंट करोगे, तो इस कारण से मैंने सिर्फ और सिर्फ फीमेल लेकर आने वाला, भले जितना पैसा लगे लगने दो लेकिन मैं लेकर आऊंगा फीमेल। तो अभी के टाइम में देखोगे तो बाकी चीजें तो मैंने रेडी कर दी, बट इसमें अभी कलरिंग पूरी की पूरी पेंडिंग बची है और यहाँ पे फीडर लगाना भी बचा है। फीडर मतलब जिसमें वो खाना खाते हैं, ऑटोमेटिक फीडर तो लगा हुआ है, इसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। एक और फीडर जो गायों के पास रहती है उसको फटाफट से लगा देते हैं, छोटे वाले लगाएंगे बड़े वाले नहीं लगाएंगे, छोटे वाले में मोर देन इनफ काम हो जाता है और खत्म भी हो जाता है तो भाई ऑटोमेटिकली वो रिफिल हो जाता है, तो एक काम करते उसको यहाँ लगा देते हैं। और यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं होगी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेंगे, जो फैक्ट्री वाला काम है वो अपने काउ वाले फार्म में ही होने वाला है क्योंकि वो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे यार फिर से करना मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना, एक्स्ट्रा चीजें लेकर आना वो नहीं चाहता मैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया एक ही जगह पे सारी चीजें करेंगे। चलो ये फाइनली पानी वाला लग चुका है, अब फीडर लगा देता हूँ जिसमें अपना खाना जाएगा, तो इसमें भी बहुत सारा प्लैंक लगने वाला है। हाँ भाई बहुत सारा प्लैंक लगने वाला है। और एक और चीज बता दो भाई, मेरे को हो गया जुकाम बहुत खतरनाक, मेरी आवाज से तुमको समझ में आ रहा होगा, जो थोड़ा सा बेयर कर लो दो दिन और, क्योंकि यार दवाइयां चल रही है, जैसे ही वो ठीक हो जाएगा सब कुछ तो फिर तो अपने नॉर्मल वॉइस में आ जाएंगे, बट अभी के टाइम पे तो भाई जुकाम हो रहा है बहुत ज्यादा। चलो यहाँ पे सारी चीज मैंने लगा दिया, यहाँ पे फीडर के लिए जो जो लकड़ियां लगेगी, अरे यार लकड़ियां मैंने उधर की रख दी। चलो एनीवेज मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे प्लैंक्स पड़े हुए कटे हुए, मैंने बोला था लास्ट एपिसोड में ये ऑफलाइन में पूरा का पूरा साफ कर दूंगा, फाइनली मैंने पूरा का पूरा साफ कर दिया। यार यहाँ पे क्या है ना, अगर कुछ भी अपडेशन आएगा ना तो एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर से मेरे को काम करना पड़ेगा, बट चलता है तुम लोग के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। चलो यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। खाने की व्यवस्था पहले कर देते हैं, उसके जाके अपन सारे के सारे जो काउ है बीफ काउ है उनको ले आते हैं। और बीफ काउ बेसिकली अगर ये गेम की बात करें तो ये अमेरिकनो टाइप का ही गेम है, तो वहाँ पे बीफ को मार के यू नो तुमको तो पता ही है यार मैं उसको क्या ही बोलूं, बट ये अपन इंडिया में खेल रहे तो उसको वैसा ही रखेंगे, मतलब जैसे अपने हिसाब से रखते वैसे ही रखेंगे, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मिल्किंग प्रोसेस होगा यहाँ पे, नथिंग एल्स। वो खाना मैं देखता रहूंगा तो खाने का लोड नहीं है, और यहाँ पे बच्चे होंगे नहीं तो ज्यादा तादाद बढ़ेगी नहीं, तादाद बढ़ेगी नहीं तो भैया जितना खाना आज लग रहा है चार दिन बाद भी उतना ही खाना लगने वाला है, तो मेरे को उतना लोड लेने की जरूरत नहीं कि ज्यादा पैसा खर्चा हो। अगर हाँ सुअरों की तरह जैसे अगर उनकी तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है, तो इस कारण से उनको मारते रहना पड़ता है। तो बट ठीक है, गायों के ऐसा कुछ सीन नहीं है क्योंकि मैंने भाई बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ बना के रखा है जिससे कि भाई मेरे को ज्यादा हेडेक भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। यार बहुत ज्यादा प्लैंक इधर पड़े हुए हैं यार, इसको पता इकट्ठा करने पड़ेगा, नहीं तो गंदा बहुत दिख रहा है भाई, बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा है। ऑलराइट तो इसको मैं फटाफट से रेडी करता हूं गाइस, क्योंकि भाई तुमको लगेगा ये क्या चल रहा है भाई क्या दिखा रहा है, इसको फटाफट से कंप्लीट करता हूं फिर आप लोग से मिलता हूं। ऑलराइट गाइस यहां पे सारे के सारे मैंने फीडर लगा दिए और सब में पानी और खाना जा चुका है, तो भाई अब कोई लोड ही नहीं है खाने का, अब अपन काउस को लेकर आ सकते हैं, काउस नहीं वैसे बीफ काउ को लेकर आ सकते हैं। उससे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर में अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे तो अभी तो नहीं होगा बट हो जाएगा कुछ समय में, तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना थोड़ी सी लाइटिंग व्यवस्था करते हो, बट बाहर नहीं लगाएंगे और लाइटिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा ओपन है और ओपन में यार वैसे ही अच्छा लगता है, जबरदस्ती फिर क्या है कि अपन बाहर भी लाइट लगाए अंदर भी लाइट लगाए तो वो ज्यादा हो जाता है। मैं बहुत लिमिट लाइट लगाने वाला हूँ इस बार, जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ये ऐसा रखूंगा वर्टिकल, यस ये ज्यादा बेटर है, दो को कवर कर लेगा। यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ दो, यहाँ पे एक इधर और यहाँ पे दो के बीच में एक, ज्यादा नहीं करेंगे मतलब जितने कम में अपने को अच्छे से अच्छा मतलब काम हो जाए वो, अरे लेकिन ये लग क्यों नहीं रहा। ऑलराइट तो ये अब लगा, भाई ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा, तुमको कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि भैया फटाफट से लाइक ठोको क्योंकि हम लोग 8K क्रॉस कर चुके हैं, हमको 9K तक पहुंचना है, और जिन्होंने 8K तक हेल्प करी है मेरी, इतना सपोर्ट करा, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, जिन लोगों ने भी अभी तक की जर्नी मेरे साथ रहे बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा, सपोर्ट करते चलो, और भी अच्छे तगड़े तगड़े कंटेंट आने वाले आगे जाके जिसपे मैं काम करूंगा। फिलहाल तो अभी रेंज का कर लेता हूं, उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या चीज अपने को करना है, वो सारी चीजें करते हैं। और काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि यार आप है ना हॉर्स को ले आओ ये सारी चीजें हटा दो, बट मैं क्या बताऊं, मैं सिस्टमेटिक वे में चल रहा हूं और सिस्टमेटिक में इसलिए भी चल रहा हूं क्योंकि अगर मैं कुछ भी कुछ बनाना स्टार्ट कर दूंगा तो ये मैस हो जाएगा और इस मैस को मैं फिर बटोर नहीं पाऊंगा, जो है सो है, तुम लोग के सामने मैं बता रहा हूँ कि देखो अगर मैं सिस्टमेटिक नहीं चलूंगा तो भाई पूरा पूरा एरिया कचरा हो जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में करा था तो वो कचरा कचरा होने लगा था, मैं वो नहीं चाहता कि वो कचरा कचरा हो, इस बार मैं पूरा सिस्टमेटिक वे में करने वाला हूँ। देखो अभी क्या काउ वाला हो चुका है, गोट वाला हो चुका है, इसके बाद हॉर्स आएगा, हॉर्स के बाद दूसरी दूसरी बहुत सारी चीजें है जो आने वाली है, तो देखो है तो भाई प्लान काफी सारे सिस्टमेटिक वे में, सब कुछ इकट्ठे बना दूंगा तो बेकार है। अभी तो मेरा घर का भी काम पूरा का पूरा बचा, अभी तक मैंने कस्टमाइज घर बनाया ही नहीं है, वो बचा हुआ
वाला कस्टमाइज घर का, तो भाई बहुत तगड़ा प्लान है मेरा, बहुत तगड़ा प्लान है। तुम देखोगे तो बोलोगे भाई क्या ऐसा भी कुछ बन सकता है क्या। हाँ ऐसा ही कुछ मैं बनाने का सोच रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, लाइटिंग वाइटिंग का पूरा समस्या खत्म हो चुकी है यहाँ पे, ये वाला पार्ट बंद कर देता। अब मेरे को जाना है जनरल स्टोर, और जनरल स्टोर जाके मेरे को काउस को लाना है, बीफ काउ को लाना है। और वैसे भी मैंने काफी समय से है ना ऑयल रिग पे ध्यान नहीं दिया, तो उस पर भी जाके एक बार चेकआउट करना है। उससे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ ना गाइस, पेंट कर दिया जाए। क्या बोलते हो गाइस, पेंट कर दिया जाए, जो थीम है उस थीम को बरकरार रखा जाए, उसके साथ ही चला जाए। तो देखो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इसको रेड रख देता हूँ, इसको गेट खोल देता हूँ। भाई बार बार नहीं तो दिख जाए, फ्लोरिंग ऑलवेज रेड, जो कि मेरे को काफी पसंद आता है। फ्लोरिंग रेड होती ना बहुत अच्छा लगता है। ऑलराइट, तो ये हो चुका है, यहाँ पर रेड और यहाँ पे भी रेड एंड यहाँ पर भी रेड। भाई बहुत ही खूबसूरत हो चुका है ये तो यार, ये रेंच एक्चुअल में भाई जो टर्न हो रहा है ना बहुत बढ़िया। मैसिव बिल्डिंग से अच्छा है छोटी छोटी बिल्डिंग बनाओ, और अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाओ, खूबसूरत बनाओ। तो पूरी पूरी एनर्जी, पूरी डिजाइनिंग ठोक दो, और उसके बाद उसको एकदम निखार के लेकर आओ, तो वैसी कहानी है क्या। 100% दो और 200% रिजल्ट ले जाओ। वाह यार क्या बड़ी बात कर दी मैंने, ठोको ताली इस पे, फटाफट से ठोको ताली। ऑलराइट, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। आउटर साइड जो वॉल होगी वो ऑलवेज हमारी व्हाइट होती है, क्योंकि देखो व्हाइट के साथ जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन आई एवर सी इन रेंच, जो मेरे को काफी पसंद आता है। ऑलराइट, मेरे हिसाब से रेड कलर मोर देन इनफ हो चुका, आई थिंक सो। अच्छा ये भी तो है, रेड कलर मोर देन इनफ क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा काम बचा। ओके, तो रेड इज कंप्लीटेड, अब मेरे को चाहिए व्हाइट। फिर भी मैं एक यहाँ पर रख देता हूँ, अगर इन केस अगर लगा तो हम यूज कर लेंगे, अदरवाइज तो फिर मैं इसको ले जाऊंगा अपने हार्डवेयर स्टोर। ये कस्टमाइज हार्डवेयर स्टोर है भाई अपना। ऑलराइट, तो अब व्हाइट पेंट ले चलते हैं, क्योंकि व्हाइट हमको सबसे ज्यादा लगता है। मैं इस बार सोच रहा हूँ कि छज्जे के लिए कुछ अच्छा सा कलर डिजाइन किया जाए, या तो कुछ अच्छा कलर में ट्राई आउट करने का सोच रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। वाओ, ओ अरे भाई, अरे बहुत प्यारा लग रहा है यार। यार तुम लोग कमेंट करो यार, सब फटाफट से कमेंट करो, बताओ कैसा लग रहा है। ओ भाई, बट मेरे को अब है ना व्हाइट के साथ ब्लैक भी लाना पड़ेगा। तो थोड़े से कलर ले आते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, एंड देन हम जाते हैं बीफ काउ को लेने के लिए। यार अभी तो अंदर वाला पार्ट भी कंप्लीट करना पड़ेगा। ओ कम ऑन, ये तो बड़ा हेक्टिक वाला काम है, बट लेट्स सी क्या होता है। देखा मैंने बोला था ना, इसलिए मैं रेड कलर इधर रख देता हूँ, एक गलती हुई तो काम खत्म। ऑलराइट, ये भी हो चुका है। ये यार पता है, ये बाहर से पिक्चर क्लिक करूंगा ना, इसकी बहुत ही तगड़ी आने वाली, भाई बहुत तगड़ी। तुम बोलोगे भाई क्या सेक्सी लग रहा है, वैसे वैसे ही लगने वाला है। और जो पिलर्स है वो हमेशा ब्लैक होते हैं। ऑलराइट, तो इसको भी व्हाइट कर देते हैं, बट ये जो दरवाजा है ये होगा ब्लैक, कुछ एकदम प्लान आउट करके करना पड़ता भाई। ओ व्हाइट खत्म हो चुका है, मैं काम करता हूँ रेड इस पे लगा देता हूँ, यार ये अच्छा नहीं लग रहा। ऑलराइट, देखो अब धीरे धीरे इसका रूप रेखा अच्छी लगने लगी है। रेखा मतलब दीदी नहीं, रेखा मतलब कलाकृतियां की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात करो समझा। एनीवेज गाइस, फाइनली बारिश बंद हो चुकी है, जिसका मैं वेट कर रहा था भाई। एक तो इस बारिश में मेरे को ना आधी चीज तो बोलती नहीं बनती यार, तो ये भी प्रॉब्लम है। चलो ये भी लगा दिया यार, सारे पेंट तो अभी करने बचे ही है यार। ओ भाई, इसको भी कर देते हैं एंड इसको भी कंप्लीट, मोस्ट प्रॉब्ली लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, मतलब ज्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है, हो गया। ओके, थोड़ा सा और बचा है। ऑलराइट गाइस, तो लगभग मेरा काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे व्हाइट का। अब आएगा ब्लैक का काम, और थोड़ा सा रेड का भी काम आएगा, बट उसको देखते मैं उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि भाई कैसे क्या कर सकते हैं, जिससे कि भाई एक दूसरे से मैच भी ना हो और दिखने में भी अच्छा हो। अरे भाई पेंट तो ले ले मेरे भाई। ओ भाई 20 का ले जा। ओ व्हाइट क्यों ले रहा है, मेरे को ब्लैक चाहिए गाइस। ओके, तो ये 10 का नहीं ले जाता, 10 का कोई काम करें, 20 ले जाता हूँ, 20 का बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, थोड़ा सा और बढ़िया कर सकते हैं, तो लेट मी चेक, लाइक इसको ब्लैक कर दूं क्या। ओके, ये ब्लैक अच्छा दिख रहा है वैसे। ओ नाइस, दिस इज नाइस, एंड आई थिंक सो इसको बॉर्डरिंग में कुछ कर सकते तो कर दूंगा। इसको जब तक ब्लैक कर देते, इसको ब्लैक एंड इसको भी ब्लैक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो पिलर है, इसको ब्लैक, ये ब्लैक बहुत जरूरी है, इसके बिना चीजें निखर के नहीं आती इस कारण से। ओके, ये भी ब्लैक एंड ये भी ब्लैक, और ये गेट भी ब्लैक होगा। ओ भाई, ओ गाइस लुक वाइज देखो भाई, तुम बताओ भाई कैसा लग रहा है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है भाई देखने में। भाई बहुत ही क्लासी नहीं लग रहा तुमको, बट 20 के 20 पेंट खत्म हो चुके हैं। और एक और चीज भाई, मैं सुबह उठते से मैंने खाना चेक नहीं किया। ओफा, आना तो था यार। हे गाइस, मेरी सुअरनी मर गई। अरे मेरी सुअरनी मर गई, शिट बे, मेरे को मेल भी लेकर आना पड़ेगा, मेल फीमेल दोनों ही लाना पड़ेगा। अरे यार अननेसेसरी का खर्चा हो गया यार, क्यों ठिल जाते ये लोग यार, क्यों ठिल यार। चलो एक इधर रैंप लगा देता हूँ और एक रैंप इधर लगा देता। अरे कम ऑन यार, क्यों ये ठिल गया बे, मैं अच्छा खासा पेंट लेने जा रहा था, मेरा सुअर ठिल गया यार, ऐसे कैसे चलेगा यार। गाइस अभी बहुत काम बचा है, इसको मैं फटाफट से पेंट करता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ, क्योंकि भाई ये तुम देखते रहोगे तो तुम बोलोगे भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है। इसको कंप्लीट करता हूँ फिर मिलता हूँ, एक मिनट में मैं आता हूँ वापस। ऑलराइट गाइस, फाइनली अपना पूरा का पूरा जो बान है वो
कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो बान ही बोलना चाहिए इसको, फैक्ट्री नहीं बोलना चाहिए। अब मैं क्यों इसको बान बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी अपन यू नो प्रोडक्शन नहीं कर रहे। इसमें बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, काउस को ला रहे, रख रहे, मिल्क निकाल रहे और दूसरे फैक्ट्री में ले जाके उसका चीज बना रहे और उसी से अपन अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से इसको मैं बान बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगा, इसको स्टोरेज रूम बोलना प्रेफर करूंगा। ऑलराइट गाइस, तो ये वाला पूरा काम कंप्लीट हो चुका, अब अपने को दूसरे काम में भी फोकस करना। ये वाला काम काफी समय से कर रहा हूं, कल भी किया और आज भी का, फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए जो मेरे को लेकर आना है, जो बीफ का वो लेकर आना है, वो मैं थोड़ी देर से ले आऊंगा, बट उससे पहले मेरे को जाना है ऑयल रिग में और उससे भी पहले पिक्स लेकर आने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्या बोलूं यार, मतलब पिक्स मर गए यार, जबरदस्ती का एक ही बचा था यार, एक फीमेल बचा था, बट उसको सपोर्ट नहीं मिला तो मर गया। चलो एक काम करते हैं, मैं पिकअप लेके जा रहा हूं और पिकअप में अभी कुछ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पिकअप की कैपेबिलिटी ये है कि वो इजीली दो सुअर्स को लेकर आ सकता है। बट अभी के टाइम में एक छोटा सा इशू ये है कि अभी तक मैंने ना खाना कहीं पे चेक नहीं किया और सुबह से काफी समय हो चुकी है, लगभग 16-14 हो चुका है, 15 हो चुका है। इसके बाद शायद अगर खाना नहीं दिया तो शायद ये मर सकते हैं। तो फटाफट से खाना चेक करते हैं। तो सब जगह तो खाना लगभग ठीक ठाक है, काउस ज्यादा खाती नहीं है, एक चीज मेरे को समझ में आया। और यार यहाँ पे चीज का प्रोडक्शन काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको भी मेरे को स्टार्ट करना है। एक और चीज बोलना चाहूंगा, मेरे पूरे एरिया में जितने भी लॉक्स थे, पेड़ के लॉक्स थे, वो सारे के सारे कट कर दिए। अब मेरे को कुछ भी पेड़ नहीं कट करना अभी के टाइम में, जब तक अगला कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करता। फिलहाल तो अभी चीज प्रोडक्शन अभी मेरा पेंडिंग बचा हुआ है, जिसको मेरे को करना है। उससे पहले काम करते अपने पिकअप को चेकआउट कर लेते हैं। और तुम लोग बताओ यार, ये जो रैंच है वो खूबसूरत की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है? बीच वाला पार्ट जो होगा वो बेसिकली मेरा पेडॉक्स का होगा, और पेडॉक्स इसलिए मैं बीच में लगा रहा हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ क्यों मैं बीच में लगा रहा हूँ, क्योंकि वो सर्कल में होता है और सर्कल के आजू बाजू अगर घर रहते हैं या मेरा बांध रहता है, कस्टमाइज बांध रहते हैं, वो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। उस हिसाब से मैं प्लान आउट कर रहा हूँ यार, तुमको है ना मजा आएगा। अभी जब इसका पूरा स्ट्रक्चर वाइज चेंज होगा ना, तो एक बहुत ही प्यारा लगने वाला, तुम बोलोगे भाई क्या तगड़ा बनाया, तो उस हिसाब से मैंने प्लान आउट किया। बट एक ही चीज का दुख हुआ है कि मेरे जो पिक से सारे के सारे मर चुके। मैंने एक फीमेल पिक रखा था, मैंने सोचा था वो बच जाएगा कैसे भी करके, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं बचा एंड वो खत्म हो गया। बड़ा बुरा लगा मेरे को। चलो एनीवेज, जब तक फ्यूल फिल होता है, ओके वो फ्यूल फिल हो चुका है, तो फटाफट से चल रहे हैं अब हम अपने जनरल स्टोर और दो पिक्स को लेकर आते हैं। एटलीस्ट मेल और फीमेल ले आता हूं मैं, इतने पैसे तो है यार, क्या मैं उस बान को खाली रखूं, अच्छा नहीं लगता। तो पहले मैंने सोचा था कि यार एक मेल ले आऊंगा फिर तो क्या हो ही जाएगा, बट मेरे को क्या पता था कि उससे पहले ही अपनी फीमेल जो पिग है वो मर जाएगी। बट ठीक है, उसको एक सहायता की जरूरत है, एक कंधे की जरूरत है, तो हम कंधा प्रोवाइड कर देते हैं। फटाफट चलते हैं जनरल स्टोर और लेकर आते हैं दो। हाँ, दो लेकर आते हैं, अब तो दो ही लाना पड़ेगा, पहले मैंने सोचा था एक लेकर आएंगे, बट अब अनफॉर्चुनेटली दो लाना पड़ेगा और उनका खाने का पूरा देखना पड़ेगा, अगर थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो मर सकते हैं। ऑलराइट, चलो फटाफट से दो पिक्स उठाते हैं एंड सीधे घर पहुंचते हैं। ऑलराइट गाइस, फाइनली इनको परचेस कर लिया, सीधे सीधे अपन उठाते हैं और अपने पिकअप में पुटअप करते हैं। एक पिकअप की ये खासियत है कि भाई एटलीस्ट दो पिक्स को आराम से ले जा सकता है, एक इसको रख दिया और एक और को ले जाते हैं, देखो बहुत इजी है। मैं इसके लिए इतना बड़ा वो जो एनिमल वाला जो ट्रेला है उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही में ही काम हो जाता है। चलो गाइस, इन सबको छोड़ते हैं अपने रैंच में। यार याला व्यू पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, याला व्यू बहुत ही प्यारा लगता है, रात भी होने वाली है। कम ऑन यार, मतलब मैं काम करने बस निकलता ही हूँ कि रात होना स्टार्ट हो जाती है, भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। ओ भाई, मैं सोच रहा बाहर साइड से यार, मेरे को एक रास्ता ही बनाना है, पता है मेरे पूरे रैंच को है ना मैंने कवर अप तो कर दिया, बट रैंच में गाड़ी ले जाने के लिए जगह की थोड़ी सी कमी हो रही, तो मेरे को एक रास्ता बनाना है जो डायरेक्ट मेरे जनरल स्टोर तक पहुंच जाए और इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ये सबसे बड़ी दुखद चीज है। चलो गाइस, फटाफट से इन पिक्स को रखते हैं और फिर अपन सोने जाते हैं। सुबह उठते हैं, फिर पहले ऑयल रिग पे जाना बहुत जरूरी है। देखो मैं दो बार से ना ऑयल रिग पे गया ही नहीं हूँ क्योंकि सही नहीं है। ऑलराइट, मैं निकल जाता हूँ, इसको खोल देते हैं। अरे यार क्यों मर गए यार पिग, यार एक भी रह जाता ना तो मेरे को सिर्फ मेल पे खर्चा करना पड़ता, सुबह सुबह नुकसान कर दिया इन लोगों ने। चलो एनीवेज, गाड़ी अंदर रखते हैं, उतरते हैं, इसको बंद कर दो एंड इन दोनों को उतार दो भाई, कुछ नहीं करना। सबसे इजिएस्ट वे, इनको साइड कर दो, मेल और फीमेल घूमते रहो फिरते रहो, जो करना करते रहो, मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ। रात का समय भी हो ही चुका लगभग, यस थोड़ी देर में रात हो जाएगी। फटाफट से सोते हैं गाइस, सुबह उठते हैं, फिर तुम लोग से मिलता हूँ। ओ कम ऑन, यहाँ पे लॉक्स अभी भी पड़े हुए यार, इनको भी तो कट करना था। चलो एनीवेज, इसको भी ऑफलाइन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ ना, यहाँ पे सबकी लाइट ऑन कर देता हूँ और एक बार चेक कर लेता हूँ कितने अंडे जनरेट हुए। भाई अंडे पे भी फोकस करना है यार, काफी स्लो नहीं लग रहा तुमको अंडे, मतलब थोड़े से और फास्ट होने चाहिए थे। मतलब इसके पहले रैंच में तो ऐसा था कि भैया एक बार में 8-10 हो जाते थे भाई, इतना ज्यादा जनरेट होता था। बट इस बार में बस ये पहला वाला जो है ना, इसमें ज्यादा जनरेट हो रहा, बाकी किसी में भी जनरेट नहीं हो रहा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बट एनीवेज, मेरे पास अभी ये हिरन कहाँ से आया का? अरे रुक जा मेरे भाई, बाहर रह तू, अंदर नहीं, अंदर मत आना, घुस जा तू, घुस जा तू, घुस जा तू, आज इधर ही रहेगा। मेरे को वैसे भी एक्सपेरिमेंट करना ही था,
कि भैया ये जो डियर है अगर उसको मैं कब्जा करके रख लेता हूँ तो क्या अगले दिन ये रिस्पॉन होता है या वहीं पर रहता है, वो भी देखने वाले आते हैं। और हाँ, ये थोड़ा सा मैंने अपडेट किया क्योंकि बारहवें में नीचे गिर रहा था। और राइट गाइस, हमारे पास भी अब थोड़े से अंडे हो चुके, तो थोड़े बहुत अपन चीज़ तो बना ही सकते हैं यार। मैं थोड़ा बना ही देता ना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यार काफ़ी समय से मैंने मिल्क निकाला नहीं है, तो भैया वो भी ज़रूरी है काम करना, इसमें रखता हो। वैसे पता है तुमको, इसको रीसेट करना पड़ेगा, बिना रीसेट करे ना ये चीज़ बनने ही नहीं देगा, इसकी अलग ही कहानी चलती भाई, नहीं होगा। मैं मालूम था, 1 2 3 4 5, चलो इसको रख देते हैं, रीसेट करूंगा आप चालू हो जाएगा, देख रहे हो, इसका अलग ही कहानी। पता नहीं ये गेम थोड़ा अलग ही नशे करके चलता है, बट एनीवेज भाई यार मिल्क तो मैंने काफी समय से नहीं निकाला यार, मेरी गाय चिल्लाए जा रही भाई। ये गाय कैसे मर गई? अबे ये हो क्या रहा है? खाना पीना तो सब कुछ है ये भाई, मेरे को देखना पड़ेगा, नीचे भी तो ऐसा नहीं हुआ कुछ। अबे गाइस ये क्या हो रहा है? ये सब सही है, ये सब सही है, ये भी खत्म। ओह ये, अबे ये भी खत्म गाइस, ये तो बैड डे हो रहा है यार। अबे खाना पानी भर पेट है भाई, देखो खाना है इसमें भी। अरे यार शिट हो गया यार, एक ये मर गई और एक ये मर गई। इश कम ऑन गाइस, ये बड़ा दुखद दिन है यार आज तो यार, ये ही नहीं पसंद मेरे को यार। फार्मिंग कर रहा इतना सही यार, उसके बावजूद खाना पानी बराबर है, देखो ना खाना पानी है यार। ऐसा तो नहीं कि एक एज हो जाती, इन्होंने एज वाला सिस्टम तो नहीं रखा इसमें यार, ये चेक करना पड़ेगा मेरे को तो, ये नहीं तो लोचा हो जाएगा। चलो एनीवेज अभी तो फिलहाल तो चीज तो निकालो। अरे कम ऑन यार, ये सबसे बेकार लगा मेरे को यार। ऐसे में तो इसका जो पिक तो नहीं मरा, यही रीजन के कारण तो पिक तो नहीं मरा, पता नहीं क्या दिक्कत है। और ऐसे भी कुछ नहीं कि सोशल वाला सिस्टम हो, सोशलाइजेशन वाला भी सिस्टम नहीं है। देखो हार्ट सबकी बढ़िया है, इसका भी हार्ट बढ़िया है भाई, मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा क्या कहानी है भाई। आज का दिन तो बड़ा ही दुख रहा है यार मेरे को तो। और काव लेकर आने पड़ेंगे, उसमें से एक काव यहाँ पर रखना, एक ओ भाई एक इधर नीचे, 2 3 ये वाले लेकर आने पड़ेंगे काव। ओ भाई मिल्किंग काव लाने पड़ेंगे भाई साहब, ये तो अलग खर्चा हो गया यार। ये चीज तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा भी कुछ है भाई, वेरी बैड डे भाई। ऑलराइट गाइस, इसको मैं फटाफट से करता हूँ, सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर अपन चल रहे हैं भाई सीधे सीधे ऑयल ट्रिक पे। ऑयल ट्रिक का काम पूरा का पूरा बचा हुआ है, उधर भी कंप्लीट करते हैं। चलो भाई इन सबको स्टार्ट कर देता हूँ और इनको चीज पे लगा देता हूँ, उसके सुबह उठता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुके हैं, बट क्या ही गुड मॉर्निंग बोलूँ यार, बैड मॉर्निंग बोल सकते यार। मेरी इतनी अच्छी गाय, मैंने उनको कितने अच्छे से रखा, उनको फूड दिया, मर कैसे गया यार भाई। मेरे को तो अभी तो गोट वाले इसमें भी डर लग रहा है, ये मर गया क्या? ये है जिंदा, अबे बकरिया तो जिंदा है। उड़ जाओ रे सब लोग, उड़ जाओ, मेरे को देखने दो भैया कि कोई मरा तो नहीं। वैसे सब जिंदा ही है अभी फिलहाल तो, ये लोग जिंदा है। ओके ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा, ये भी जिंदा है, और ये भी जिंदा। अरे यार काव बोले मैं ऐसा क्यों यार गाइस, यार कितने प्यार से मैंने सबको रखा था, सबके लिए इंडिविजुअल एरिया दिया था, सबको खाने का दे रहा हूँ, अनलिमिटेड फूड है, कहीं पे भी फूड की कमी नहीं होने दे रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों यार? मेरे को ये बड़ा बड़ा बेकार लगा यार। दुख करने से क्या ही होगा, जो होता है वो होता है, हमने तो कुछ किया नहीं, ऑटोमेटिक ही हुआ है सब कुछ। मेरे को ऐसा लग रहा है ना पिक वाले इसमें भी कुछ ऐसी कुछ कहानी है। अगर तुम लोग को इसका कुछ पता है तो बताना जरूर कि इसका ये लॉजिक क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं। मैं गेम खेल चुका इसके पहले भी, बट अगर उनको मेंटेन रखो तो कभी नहीं मरते। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि काऊ मरी है, नहीं होता भाई ऑटोमेटिक वो भी यार, या तो इनकी एज हो जाती है, ऐसा कुछ भी फंडा है क्या? विच आई डोंट नो भाई, वो तो चेक करना। और ये गाड़ी का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता भाई, मैं क्या बोलूं भाई। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके अपने ऑयल रिग पे, पहले तो चेकआउट करते कि कितना जनरेट हुआ है भाई, ये भी तो देखना जरूरी कितना जनरेट हुआ है। अरे माँ कसम 313 लीटर ही जनरेट हो, क्या ही पैसा जनरेट होगा इसमें भाई। एक मिनट, ये लगाया नहीं क्या मैंने? लगा देता हूँ, फुल कर देता हूँ, थोड़ा तो जनरेट कर। क्या बकवास जनरेट कर रहा भाई, इतनी गुस्सा आ रही है ना इनका, एक तो इतना धीरे धीरे जनरेट कर रहे ना, सच में चिड़ मच रही है भाई। चलो यहाँ का तो चलो फिल कर दिया है, अभी तो 2-4 दिन के लिए लोड फ्री हूँ मैं, क्योंकि भाई इधर ऑयल और फ्यूल बहुत कम लग रहा है, मतलब ऑयल जनरेट कम हो रहा है, फ्यूल तो उससे भी कम लग रहा है, तो क्यों जबरदस्ती यहाँ पे 10 बार आना। मैं 3 दिन पहले आया था, अब जाके आ रहा हूँ मैं इस ऑयल रिग पे, उसके बावजूद भी मतलब जो फ्यूल है वो खत्म नहीं हुआ, 37 लीटर अभी बचा हुआ था। कम ऑन यार, मैं क्या ही बोलूँ यार, इसमें तो रेवेन्यू जनरेट के भी लाले पड़े हुए भाई। ऐसा लग रहा है चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, चीज़ को चीज़ 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 करते और चीज़ बनाते और उसी से अच्छा खासा कमाते हैं। बट एनीवेज यहाँ पे भी आके चेकआउट करते हैं कि क्या स्टेटस है एक बार यार, ग्लिच नहीं होना चाहिए मेरे को, अभी पता है बहुत ग्लिचेस दिख रही है इस गेम में। और इसमें कितना जनरेट हुआ है? 308, 37 लीटर अभी फ्यूल बचा है। चलो फिर तो लगाओ, खत्म करो, यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं है यार। होन दो, 1000 लीटर तक मैं इसको छूऊंगा नहीं, जैसे 1000 लीटर हो जाएगा तो फिर इसको ऊपर निकालेंगे और सेल आउट कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। एनीवेज अपना ये वाला काम तो हो चुका है, यहाँ पर जो चेकआउट करना था ऑयल रिग का कर लिया यार। ऑयल रिग ने जो डिसअपॉइंटमेंट किया ना इस गेम में, विच इज़ अनएक्सपेक्टेबल,
या तो डेवलपर को बोलो जाके कि भैया फिर से ग्लिची वाला पार्ट कर दो तो मजा ही आ जाएगा, बट क्या करें अब अपने हाथ में है नहीं ना। जिन लोगों को अनस्टेबल वर्जन नहीं मिला है तो उनको 3 तारीख को तो स्टेबल वर्जन मिल जाएगा। अगर तुमने परचेस करके रखा है रैंस तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा अपडेट मार देना 3 तारीख को, आपका काम खत्म सीधा, फिर खेलना स्टार्ट कर देना। गेम काफ़ी अच्छा है बट हाँ स्टार्टिंग से ही बहुत सिस्टमेटिक चलना, हो सके तो भाई पिक्स को पहले परचेस करना एंड उसके बाद उनसे थोड़ी सी फार्मिंग करके देन वहाँ से थोड़ा पैसा अर्न करके देन ऑयल रिग लगा लेना, ऑयल रिग से थोड़ा पैसा कमा के फिर दूसरी चीज़ों पे फोकस करना और जितने जल्दी हो सकता है काउ फार्मिंग स्टार्ट कर देना। यहाँ गलती मत करना, यहाँ अगर लेट करी तो फिर तो भाई पैसे कमाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और पैसे इसलिए कमाने पड़ते हैं क्योंकि हमको जो भी कंस्ट्रक्शन करना है ना बार बार हमको पेड़ पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, पैसे हमारे पास रहेंगे, फटाफट से लॉक खरीदो और सीधे आओ और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो। ऑलराइट गाइस, तो अब हो चुका है 9:56 और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। अब मैं जा रहा हूँ बीफ काउ को लेने के लिए और टाइम बचा तो मैं फटाफट से मैं लेकर आऊँगा 3 मिल्किंग काउ, क्योंकि यार मेरी 3 मिल्क काउ पता नहीं क्यों कैसे मरी यार, मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा यार। और ये पिक का भी कहानी समझ नहीं आया कैसे वो मर गया, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। चलो एनीवेज गाइस, मैं सीधा मिलता हूँ आपको जनरल स्टोर में क्योंकि वहाँ जाके हम बीफ काउ लेकर आने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं जनरल स्टोर। पहले तो मैं 4 जो बीफ काउ है उसको ले जाता हूँ, सिर्फ 4 ले जाऊँगा क्योंकि मेरे को 5 का थोड़ा डाउट है कि मेरा जो पिकअप है उसमें आएगा नहीं आएगा वो देखना पड़ेगा। अब बीफ काउ में भी सिर्फ और सिर्फ बीफ काउ लेकर जाऊँगा, बुल नहीं लेकर जाऊँगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं ले लेता हूँ कितने 4 ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, एक और परचेस करके देखते हैं। अगर वो गाड़ी में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर देखते। बट मेरे पास अभी कितने डॉलर्स है, $65,000। ओ भाई अबे ये तो बहुत हैवी दिखते हैं यार, अबे सच में काफ़ी हैवी दिखते हैं। तो इधर 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 है, सब लोग इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक इस बार लगा के देखो क्या। ओके इसमें आ रहा है, नो वॉरीज, तो फिर ठीक है मैं एक बार में 5 ले जा सकता हूँ। यानी लास्ट टाइम मैंने ओ भाई इनका स्ट्रक्चर देख रहे हो, ओ भाई ये तो रियलिस्ट, 1 मिनट ये खड़े कैसे हो रहे। ओके ये ऐसे खड़े हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक और परचेस कर सकता हूँ यार। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है, जो ग्राफिकली स्ट्रक्चर है, वो बहुत अच्छा कर दिया है। लास्ट टाइम तो ऐसा अटपटा सा लगता था, मतलब आर्टिफिशियल लगता था, बट ये थोड़ा सा रियलिस्टिक हल्का सा लगता है। और एट गाइस, मैंने अभी तक 3 ले लिए हैं, एक और ले लेते फटाफट से, तो ये अपना 5 हो जाएगा और बाद में अपन 4 ले जाएंगे, सिंपल मतलब ईजिली अपना काम हो जाएगा। और राइट, तो 1 2 2 नहीं, 1 ही चाहिए मेरे को। और राइट गाइस, हमने बीफ काउ जितनी हमको चाहिए उतनी हमने ले ली है। तो एक और चीज़ मेरे को देखना है, देखो 5 है तो 2 के बीच में 1 2 के बीच में 1, तो मेरे को 2 मिल्किंग मशीन लेनी है और इस साइड के लिए 1 1, मतलब टोटल मेरे को चाहिए 4 मिल्किंग मशीन। तो एक काम करते हो, 4 मिल्किंग मशीन अभी यहीं से उठाते हुए ले चलते हैं, लगे हाथ सब काम कर लेंगे। और 4 मिल्किंग मशीन है तो 4 हमको केन भी चाहिए, पहले मिल्किंग मशीन लेते और फिर केन उठाते, सब कुछ ले चलते, मतलब एक बार में अपन ले चलते और सिर्फ आके नेक्स्ट टाइम अपन बीफ काउ लेके चले जाएंगे। तो ये हो चुका अपना मिल्किंग मशीन, ये मेरे को चाहिए 4 1 2 3 4, चेकआउट कर दिया है। और इसके साथ हमको चाहिए केन, मिल्किंग केन भी अपन उठा लेते, ये थोड़ा सा महंगा हो चुका बट क्या कर सकते भाई, ये हमको लूटने के लिए बैठा है तो लूट रहे हैं। तो 4 यहाँ से भी ले लिए, तो अपना काम यहाँ पे हो चुका है, उस वाले फार्मिंग का जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, अरे गऊ माता थोड़ी सी साउड हो जाओ ना यार, हमको थोड़ा काम कर लें तो यार। और राइट, तो एक इधर लगा देते, ओ कम ऑन, एक के ऊपर एक नहीं आएगा, 4 आ जाए बस, 4 की जगह बन जाए बस, ओ हो जा हो जा, ओ हो, ओ हो गया, कूद नहीं तो नहीं था मेरे भाई, कूद नहीं तो नहीं था। चलो एनीवेज ये भी लग जाए। ओके गाइस, ये हो चुका है, अब यहाँ पे केन रखने की जगह नहीं है तो केन रखने की जगह अपने पास है, डोंट वरी, यहाँ पर रख सकते हैं, मतलब केन रखने की जगह है मेरे भाई। ऑलराइट गाइस, सारे के सारे केन हमने रख दिया, आप सीधे गाड़ी उठाते और सीधे निकलते अपने रैंच में, इनकी व्यवस्था करते काउ का। अबे काउ देख रहे हो, उपाय, अरे रुक रुको, हाँ ये रहा, कान हिला रहा, अबे कान हिलाता है भाई। चलो एनीवेज, ये वाला व्यू ज़्यादा बेटर है क्योंकि उस वाले व्यू में अभी भी उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं है। तो भाई फटाफट से चलते रैंच में, इनको शिफ्ट करते न्यू बान में, और इनकी ज़्यादा खेती नहीं होगी, मैं पहले बता चुका क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई कि यहाँ पे जो मिल्क है वो सिर्फ 7 लीटर निकलता है, वो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो ज़बरदस्ती मतलब मेहनत होना है, 7 लीटर 7 लीटर मतलब दिन में 14 लीटर। और वही भाई काउ, एक्चुअल में जो डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क, हाँ डेयरी मिल्क काउ बोलते हैं जिसको, वो एक बार में 14 14 मतलब 24 लीटर एक दिन में निकाल रहे भाई, वो काफ़ी ख़तरनाक है। चलो एनीवेज, फटाफट से चलते हैं, और मैं काम करते गेट खोल देता हूँ और सबके एक एक गेट खोल देता हूँ, 1 इधर। ऑलराइट, तो सारे के सारे मैंने गेट खोल दिए हैं, और पहले तो मैं सोचा शाम, 1 मिनट ये वाला नहीं खोलना है, ये वाला खोलना है, नहीं तो यहाँ पे जाने में दिक्कत, 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ओके इस लेट मी चेक, ये भी नहीं कर सकते, इसको भी बंद करना पड़ेगा, अरे बड़ी समस्या है इसमें तो। चलो देखते देखते गाइस, ट्राई आउट करते, पहले तो इसको निकालता हूँ, आ जा मेरे भाई इधर, आ जा आ जा आ जा गाइस, इसको फटाफट से रखता हूँ मैं भाई। फाइनली फाइनली हमारी जो कस्टमाइज
कूल बान, ओपन बान बोल सकते हो, वो हम बना चुके हैं और उसमें हमने पहले बीफ काउ लेकर आ चुके हैं। स्टोर रूम में बेसिकली क्या होगा, और भी केन ले आऊंगा तो स्टोर रूम में केन रख दूंगा, सबसे बेस्ट है। आप मेरे को जान दे प्लीज। चलो चला गया मैं, इसको खोलो, इसे अनहुक करो, इसको पड़े रहने दो, बेस्ट तरीका इन सबको मैनेज करने का। एक काम कर दो, टीन स्पेस को साइड कर देता हूँ क्योंकि अभी तो इनको लगने वाला है। एक इधर, सारे में शायद, मतलब सारे में साइड कर देता हूँ क्योंकि अपने को सब जगह तो लगानी ही है, मशीन भी लगानी है, केन भी लगाना है, सब कुछ लगाना है। तो एक काम करते, इनको भी यहाँ लगा देता हूँ फटाफट से। ऑलराइट गाइस, केन्स को रख दिया फटाफट से, अब सारे काउस को अंदर रखते हैं। अभी मेरे को एक राउंड और जाना है और बाकी के जो काउस है, जो बीफ काउस है, उनको लेकर आना है। यार मेरे को डाउट लग रहा है, ये अंदर आएगा नहीं आएगा, आई एम डाउटेड। ओ आ गया भाई, बहुत बढ़िया भाई, यही तो चाह रहा था कि बस ये आ जाए। ऑलराइट, तो चलो भाई इसको भी अनहुक कर देते हैं। चलो फिर तो फटाफट से सबको सब करते हैं क्योंकि भाई ये तो आराम से हो रहा है यार। बट मेरे को अभी भी पता नहीं कि दुख हो रहा है यार, मेरे जो तीन काउ है ना उसके लिए काफ़ी दुख हो रहा है क्योंकि यार ये काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेटर है, मतलब बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेटर, मतलब नहीं है यार इतना अर्निंग करने के बाद भी अगर मेरे काउ मर जा रहे तो भाई। ऑलराइट गाइस, सारे जगह मैंने मशीन्स लगा दिए, मशीन का काम हो चुका है, उसमें बकायदा केन भी लगा दिया। अब फटाफट चलते भाई, 1440 हो चुका, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, जितने भी हो सकता है बीफ काउ लेकर आता हूं, इसके बाद हम जाएंगे मिल्क काउ लेने के लिए। यार आज का दिन तो ऐसे निकल जाएगा यार, इस कंस्ट्रक्शन को फिर बिल्ड करने को और ये सब करने में। अभी तो उसमें कलरिंग भी बची है तो उसको कलर भी करते फटाफट से, काफ़ी चीज़ें जो आज करनी है। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको भी मेरे को, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ वही तो बोलूँ, हाँ गाइस ये वाला पार्ट को मेरे को क्लियर करना है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें और बनानी है मेरे को, मतलब आउट ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर भी कुछ बनानी है, तो उसका भी कुछ प्लान आउट है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद नेक्स्ट एपिसोड में आपको वो देखने को मिल जाएगा, या तो फिर मैं हॉर्स वाला में बनाना स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि हॉर्स वाला भी बहुत समय से पेंडिंग है। तो हॉर्स के लिए शायद मोस्ट प्रोबेबली पैडॉक्स बना दूंगा और उसके लिए एक अच्छा सा, मतलब एक इतना तरीके वाला बनाने वाला हूँ ना उनके लिए, एक पूरा गैराज बोल सकते हो, हॉर्स गैराज बोल सकते हो बेसिकली, उसमें हॉर्स लोग रहेंगे और वो काफ़ी इनोवेटिव होने वाला है। मैं सीधे उठाऊंगा और उनको ट्रेनिंग करने ले जाऊंगा, मतलब इतना इनोवेटिव करने वाला हूँ, मतलब इतना सिंपलिस्टिक वे में इतना सही बनाऊंगा और वैसा बनाने वाला हूँ, वैसा कुछ ट्राई करने वाला हूँ जिससे कि मेरे को तकलीफ ना हो और ना उनको पैक करके रखना पड़े, वो भी ओपन ही होगा। चलो गाइस फाइनली बीफ का ऑल ले लेते हैं, 1 2 3 4, दिस इज मोर देन इनफ है भाई मेरे हिसाब से। यार अभी भी पता है इनका ना क्लिकी वाला पार्ट थोड़ा सा भी अटपटा सा ही है भाई, पैसे बहुत ज़्यादा निकल चुके यार। हेलो बीफ काउस, इधर आइए, सब इधर इधर फटाफट से इधर आओ, मेरे को दूसरे काम भी करने हैं। चलो भाई इसको भी शिफ्ट कर देते हैं एंड इसको भी ले आते फटाफट से। यार आज तो भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है, नो डाउट काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखो लास्ट टाइम अपने कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छा करा, आज फाइनली इनको शिफ्ट कर दिया भाई, चीज़ प्रोडक्शन भी स्टार्ट करना है, बहुत काम है भाई, बहुत काम है भाई, फट जाएगी मेरी तो। चलो एनीवेज, सारे के सारे लोग अंदर आ चुके हैं, सीधे चल रहे रेंच में और इनको फिट करते। उसके बाद मैं ना जो कूलर से उनको लेके जाने वाला हूँ और जो बेचारे मेरे गाय मर गई है उन सबको मैं इकट्ठा करता हूँ और उनका सेल आउट करता हूँ क्योंकि यार वो पड़े रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, अच्छा भी नहीं दिखता यार, वो गेम में बेकार लगता है। तो इस कारण से मैं उनको स्किन कर दूंगा एंड देन उनको सेल आउट कर देते और उनकी जगह मैं नए वाले और ले आता हूँ क्योंकि यार चीज़ प्रोडक्शन में फिर प्रॉब्लम होगी यार, अगर बस काउ कम है तो मेरे को काउ ज़्यादा चाहिए, चीज़ प्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रही है। और ले आता हूँ डेरी काउ को फटाफट से। चलो भाई फाइनली सारे के सारे आ चुके हैं, चलो भाई निकलो बाहर निकलो, सवारी है, सवारी है जरा फटाफट से, इधर आओ, सवारी खुद जिम्मेदार है, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। ये वाला है तुम्हारा कमरा 602, तुम लोग के लिए नो मेल, तुम सब फीमेल समझे, तुम सबके सब फीमेल रहोगे। ओ नहीं बच गए, ओ भाई मेरे को एक चीज़ देखने दो, लाइक सपोज ये आ चुके, इससे अभी से मिलकर निकलेगा, ओ भाई मिल्क निकलना स्टार्ट हो चुका मेरे भाई लोग। बट अगेन वही 7 liters, आई थिंक सो, यस 7 liter। पता है ये अर्निंग वाला पार्ट नहीं है ये, मतलब ठीक है, मतलब सारे क्रिएचर मेरे को अपने रेंच में चाहिए तो ये वही वाली कहानी है, तो वैसे ही है बस, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ दूध नहीं निकलता, थोड़ा बहुत ही निकलता है, बहुत कम निकलता है। डेरी मिल्क, डेरी काउ से तो भाई डेरी मिल्क बोलते बार बार, डेरी काउ से तो एक्चुअल में भाई 14 liter मिलता है जो कि भाई बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। इधर आ जा। ऑलराइट गाइस, फाइनली जितने भी बीफ काउ थे सारे के सारे मैंने शिफ्ट कर दिया। और मैं एक चीज बताऊं तुमको, ये वन ऑफ माय क्यूटेस्ट ओपन बान है जो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया, एक्चुअल में बहुत ज्यादा पसंद आया। वैसे तो मेरा प्लान क्या है ऑफलाइन जाके कि इस चीज को थोड़ा कवर अप कर दूं, ये एक्चुअल में थोड़ा एक्सपोज लग रहा है तो उतना मजा नहीं आ रहा, बट उसको करते है थोड़ी देर से करते। और ये ग्लिच क्यों खा रहा है, हेलो तुम ग्लिच क्यों खा रहे है? नहीं नहीं ग्लिच नहीं खा रहा यार, मेरे को अभी तो यार अभी साफ सफाई करनी है रेंज की, यस साफ सफाई करनी है रेंज की, उसके लिए मैं थोड़े से ये ले जाता हूँ। यार तीन मेरे को लेकर आने पड़ेंगे यार, मिलका हो जबरदस्ती यार, मेरे को बहुत बहुत बुरा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। मैं सुबह उठा था ना, सुबह उठने के बावजूद भी
एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पे जो हिरन है वो नहीं निकला है। हम लोग एक बार देखना पड़ेगा क्या गेम रिस्टार्ट करने पे ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर ये बांध के अंदर रहते तो फिर भाई बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला, तुम देखो बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला। उसके लिए तो मैं देखता हूँ, कुछ प्लान आउट करता हूँ। यार ये बहुत बेकार लगा मेरे को, इट यार आई हेट इट यार, ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है। बस यही चीज नहीं होना चाहिए भाई, बड़ी मुश्किल से खरीदना पड़ता है, 600-700 की आती है भाई, उसके बाद भी उसके बाद ऐसा होता ना, इट यार कितने सारे भाई, कितने सारे मर चुके यार। इनके लिए खाना पानी सब बराबर दे रहा, उसके बाद भी यार ऐसा देख के बड़ा बुरा लगता है यार। बट ठीक है, चलो गाइस इसको साफ करता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। इसको बेचते और नए वाले लेकर आते हैं काउज, काउज नहीं लेकर आते अपन मिल्किंग काउस, जो एक्चुअल में सबसे खतरनाक प्रोडक्शन करने वाले। क्योंकि मैंने लास्ट रेंज में मैंने बहुत सारे काउ ऐसे ही रखे थे, बट कभी कोई भी नहीं मरा, क्योंकि मैंने हमेशा से उनका खाना हमेशा से ध्यान दिया है। अगर खाना नहीं खाते तो बात अलग है, बट यहाँ पर खाना तो मैं प्रॉपर देता हूँ यार। ऑलराइट गाइस, फाइनली हमने अपना रेंज को साफ कर दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ ये बास्केट्स को ले जाता हूँ, सेल आउट कर देता हूँ, और जो तीन गाय है उनको लेकर आता हूँ, क्योंकि भाई मिल्क प्रोडक्शन को मैं रुकने नहीं दे सकता, जरूरी है, बहुत अर्जेंट है। इस बग्गी को रखते है, जो पिकअप अपने पास है ना, वो पिकअप में अपन है ना ये सारे के सारे जो मीट है इसको रखते हैं, इसको सेल आउट करते हैं, एंड वही के वही जो काउज है, मिल्किंग काउज है, उनको लेकर आते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि व्यवस्थित 10 राउंड लगाना, इससे अच्छा बेटर कि अपन एक राउंड में सारा काम कर ले। और मेरे को मुर्गियां भी चेक करनी है भाई, मुर्गियां ना मर जाए यार, मेरे को तो हर चीज का डर लगने लगा अब तो यार। एक डर खत्म नहीं हुआ कि दूसरा डर चालू हो गया मेरे लिए यार, मुर्गियां ना मर जाए यार। बड़ी मुश्किल से मुर्गियां मिली एक, तो वो भी खत्म हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। एक बार चेक कर लेता हूं, फिर भी भाई प्लीज मरना नहीं, दोनों जिंदा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे क्या स्टेटस है, दोनों जिंदा है ना, एक दिखा, दोनों जिंदा भाई साहब, खाना तो है भाई, खाने का टेंशन नहीं है, एंड यहाँ पर भी दोनों जिंदा है। चलो ठीक है, मतलब मुर्गिया तो जिंदा है, टेंशन नहीं है। चलो गाइस 8:40 हो चुका है, काफी कम समय बचा है, या तो फिर मैं अभी ले आऊंगा या तो बाद में ले आऊंगा। ये हिरन काफी देर से ट्राई कर रहा है कि कैसे करके बाहर निकले, बट अपन भी एकदम हरामी नहीं है, इसको नहीं जान देंगे अपन। मैं नेक्स्ट डे तक वेट करूंगा, अगर ये नहीं जाते तो फिर तो तबाही है इस गेम में भाई, तबाही, तुम देखना है तबाही कैसी तबाही में लाने वाला इस गेम में। अरे कितनी आवाज कर रही लोग। चलो गाइस इसको रखते हैं, एंड इसको भी रख देते हैं, एंड इसको भी रख देते हैं, फटाफट से इसको बग्गी को साइड करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को कचरा नहीं चाहिए, मेरे को अपना रैंच एकदम साफ सुथरा चाहिए। जनरल स्टोर जाओ कि कहाँ जाओ, मैं सोचा जनरल स्टोर चलते, जो मिल्किंग का हुआ है उसको उठाते। भाई मेरे पास पैसे कितने बचे, $57,000 बचे भाई, पैसे कमाने पड़ेंगे भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है एक दिन बैठ के उनको पैसे कमाने जाना पड़ेगा, बहुत दुख हो जाएगा रे, बहुत दुख यार। मैं एक काम करता सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर आप लोग से मिलता, क्योंकि भाई अभी जाऊंगा ना, खरीद तो लूंगा लेकिन बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो दुकान बंद हो जाती है। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और खाना चेक करना भाई प्रायोरिटी है, तो पहले जाते हैं पिग वाले एरिया में और बीफ का वाले एरिया में, वहां पर जाके चेकआउट करते हैं। खाना खत्म तो नहीं होगा वैसे, तो अभी तो नहीं होगा क्योंकि अभी अभी आए हैं सारे के सारे ताजा ताजा जानवर। यार मैंने अभी कुछ काम नहीं किया है, ओ ओके, अरे खाना है तो, बट खाना खा नहीं रहे क्या, क्या हो गया यार। यार एक चीज चेक कर रहे तो खाना खा नहीं रहे क्या यहाँ पे, खाना, अबे खाना भरपेट है भाई, बहुत खाना है भाई। यार इनके मीट भी तो ले जाने थे मेरे को, इन सारे को उठा के ले चलता हूँ यार, मेरे को साफ तो करना ही है, फिर आते आते डेयरी काउ लेकर आ जाएंगे, सारा काम अपना इकट्ठे ही हो जाएगा। और एक चीज मैं देख रहा हूँ, सुबह होने के बाद भी अपना ये हिरन बाहर नहीं निकल रहा मेरे भाई, कुछ तो मजा आएगा इसमें। गाइस एक काम करता हूँ मैं, जब तक है ना गाड़ी ऐसी जगह लगा दो जिससे मैं थोड़े से पिक्स के मीट्स भी उठा के ले चलूं। भाई पैसे चाहिए, पैसे बहुत बहुत खर्चा हो गया है अपना। चलो कौन सा वाला खाली पड़ेला है, ये है क्या, ये अरे यार कितने होंगे इसमें, ज्यादा मीट नहीं होंगे मेरे को लग रहा है। पहले तो ट्रक के ऊपर फटाक से चढ़ जाता था, पता नहीं क्यों आजकल चढ़ता भी नहीं है, काफी टाइम लगता है। चलो एनीवेज फटाफट से उसको कंप्लीट करते हैं, ज्यादा मीट है भी नहीं क्योंकि वो छोटा सा ही था यार, जो फीमेल थी ना वो छोटा सा ही था, बट ठीक है। ऑलराइट गाइस, सारे के सारे अपन ने मीट यहाँ से उठा लिए भाई, इन लोग को कुरुक कुरुक करने दो, अपन जा रहे हैं सीधा इनको सेल आउट करते हैं, और जो मिल्क काउ है उनको लेकर आते हैं भाई। अरे शिट यार, ये अननेसेसरी का काम हो गया। बट मेरा ये जो फार्म है ना, जो सामने जो दिख रहा है तुमको, ये काफी खूबसूरत बांध लग रहा है मेरे को भाई, काफी खूबसूरत बांध है भाई, लव इट, बहुत ज्यादा लव इट है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार ऐसे कॉम्पैक्ट वाले बनाओ तो ज्यादा अच्छे लगेगा, लेकिन हाँ जो मिल्क काउ वाला फार्म है उसमें हमेशा ज्यादा मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि देखो जो पैसा अर्निंग करके अपने को प्रोवाइड करता है ना, उस पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी। फटाफट से बर्गर किंग और इन सबको सेल आउट करते हैं, और जाते हैं अपने रैंच के लिए नए कूल मिल्क काउ लेकर आते, कूल वाले एकदम। इसमें मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा व्हाइट लेकर आए क्या, शायद कुछ मिल जाए। कम ऑन भाई, यहाँ पे तो ना मेरे को ऐसा नंगा करके लटका देते, $2,520, इतनी कम कमाई, 60,000 वापिस हो गए। चलो थोड़े पैसे तो आए वापिस, 60 तक तो पहुंचे, कहा मैं $81,000 कमाया था भाई, सच बताओ, और कहाँ से कहाँ आ गया मैं, 60,000 पे आ चुका हूँ भाई। कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ भाई, बेवकूफ़ कर ही जा रहा हूँ मैं, बट ठीक है यार, यही तो है रैंच। रैंच का मतलब क्या है, रैंच मतलब आपको अपना रैंच बनाना, वो भी खूबसूरत, उसमें सारे आपको जानवर रखने,
और अभी तो कुत्ता बिल्ली आने वाला है भाई, 3 तारीख को कुत्ता बिल्ली आने वाला है, कुत्ता और बिल्ली हाँ दोनों को हम पाल सकते हैं, उनके लिए अलग से घर आने वाला है। तो लेट्स सी वो घर होता कैसे, उसको फटाफट से कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर उनको लेकर आएंगे। पैसे इसलिए मैं बटोर के रख रहा हूँ, अननेसेसरी लेना पड़ रहा है यार, अच्छा खासे थे मेरे पास, 3 ले लिया, 3 को शिफ्ट कर देता हूँ और सीधे चलते अपन अपने रैंच में, इनको शिफ्ट करते खाना पानी देते हैं। वैसे एक चीज मैं बता दूं, जब ये खरीदता हूँ ना तब ये काफी हड्डी होते हैं और जब ये वहां पर रैंच में रहते हैं उसका तो इतने तगड़े हो जाते हैं, मेरे को लगता है ज्यादा खाने से तो नहीं मर जाते, ओवर ईटिंग के कारण, इसे ओवर डिहाइड्रेशन होता है, वैसे ही ओवर ईटिंग से तो नहीं होता, ऐसा कुछ हो सकता है भाई, मैं तो जस्ट गेस कर रहा हूँ। चलो एनीवेज सीधे पहुंचते अपने रैंच में और इन सबको ठिकाने लगाते और आज का खत्म करते हैं, क्योंकि भाई इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो तो भाई तुमको बहुत मजा आने वाला है। हॉर्स हॉर्स चिल्ला रहे थे ना, तो भैया अब घोड़े आएंगे 10-10, 20-20 हजार के, एकदम हाई लेवल के। वैसे मैं सोच तो रहा था एक बार ऑक्शन में बैठ के देखो, क्या बोलते, बैठ के देखे क्या, मतलब जस्ट बैठ, मतलब खरीदेंगे नहीं अभी, सिर्फ बैठने का, क्योंकि अभी रखने के लिए कुछ है नहीं। तो ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने रैंच में और फटाफट से भाई काऊ को शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। भाई मिल्किंग काऊ जबरदस्ती मर चुके हैं, इधर इधर पहले वाले भी जाना, पहले वाले खांचे में जाना है यार। खाना दे के तो रखा है, पता नहीं कैसे हो सकता है यार, मैं अभी भी सोच रहा हूँ भाई, मैं अभी भी पता नहीं क्यों यार वो पचा ही नहीं पा रहा मेरा अंदर कि यार ऐसा भी हो सकता है। चल भाई इसको रख देते हैं, 3 है तो 2 नीचे और 1 ऊपर मरा था यार, चलो शिफ्ट करते हैं यार। एक बार है ना मैं सोच रहा हूँ जाके देखते हॉर्स वाले में क्या आया, क्या कुछ नया आया, मैंने अभी तक उसको चेक नहीं किया। आजा मेरे गाय फटाफट से आजा भाई, और तो कोई नहीं मरा ना, नहीं सारे जिंदा है। चल भाई चल 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 चल, बंद करते हैं, इसको खोलते हैं एंड यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ, इसको बंद करते हैं और यहाँ से फंदा हटा देते हैं और एक को लेके जाना है मेरे को ऊपर। कम हियर माय बॉयस, इधर 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 कहाँ छोड़ के जा रहा, अरे मत चिल्लाओ यार, तुम लोग के लिए मैं केन खाली करके ला रहा हूँ भाई। सब सब ज्यादा फूल नहीं गए तुमको, ऐसे नहीं लग रहा, बट कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, सिर्फ ये खाना खा के फूल चुके हैं, मतलब इनको साथी चाहिए क्या, ऐसा कुछ भी है रहता है क्या। अगर मैंने यहाँ पे एक भी बैल छोड़ दिया ना वो सबको पगला कर देगा भाई। भाई साहब क्या हो जाएगा रे मेरा भाई। चलो भाई लास्ट ये भी रख दिया अपने, गेट लगा देते हैं, मैं निकल जाता हूँ पहले बाहर। ए हेलो जान दे, चलो इसको हटा देते हैं। चलो भाई फटाफट से बाहर चलते, ओ भाई गेट खुलते क्या, मूव करते हैं लोग। चलो भाई फाइनली अपने सारे के सारे जो गाय थे वो लेकर आ चुके हैं, सारे के सारे फिर से फिल हो चुके हैं, टनाटन हो चुका है। जो अपना चिकन कुक है यहाँ पे भी फिल कर देता हूँ यार, एक बार जाके चेक करते हैं, बस एक बार मेरी शंका है कि एक बार जाके चेकआउट करते क्या स्टेटस है घोड़ों का, मतलब घोड़े का परचेस करना है तो क्या स्टेटस है, बस जस्ट एक बार चेकआउट करने वाला हूँ। हालांकि अपन सारी चीजें नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले, बट नेक्स्ट एपिसोड में घोड़े नहीं खरीदेंगे अपन, नेक्स्ट एपिसोड में सिर्फ अपन घोड़े के लिए चीजें बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, ये आता हूँ और एक और चीज मेरे को रेड कलर ले जाना है, क्योंकि एक जगह रेड कलर की कमी हो रही है तो उसको फटाफट से लगाते हैं। यार काफी काम हो गया यार, ऐसा लग रहा है बस काम ही करे जा रहा हूँ, काम तो खत्म ही नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है गाइस, ये क्या कहानी है, अंदर यार बैठ कैसे जा रहे, कोई ग्लिच है क्या इस गेम में भाई, ऐसे तो नहीं मरे वो लोग यार, ये थोड़ा सीरियस हो रहा है गेम यार, मेरे को डर लगने लगा यार, ऐसा होता रहेगा तो फिर तो ये तो मर जाएंगे यार। इधर मैं कलर करना भूल गया था तो गाइस इसको मैं कलर कर देता हूँ, बस इतना ही बचेगा। ऑलराइट गाइस दिस इज डन, अब इसको रखते हैं, थोड़ा सा अपन जाते हैं एक बार चेकआउट करते कि भैया घोड़ों का क्या स्टेटस है, घोड़े के लिए क्या करना है मेरे को, वो एक बार देख लेता हूँ। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि गायों को ओपन एरिया में रखना ज्यादा बेटर है क्या, पता नहीं, मतलब आई एम जस्ट गेसिंग। अगर इसके बाद भी मरते हैं तो मेरे को लगता है कि मेरे को ऐसा कुछ बान बनाना पड़ेगा जिसमें काउस आराम से जमीन पे चल पाए। ऑक्शन में जा रहे गाइस, मैं गया बाहर आ गया, अच्छा इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, ओके स्किप करते हैं। दूसरा घोड़ा है, अरे घोड़ा तो अच्छा कर दिया इन लोगों ने यार, बट स्टार्ट तो कुछ खास नहीं है, ये भी ठीक ही है, मतलब मैं भी खरीद नहीं रहा हूँ बट ठीक है, अच्छा दिख रहा है मेरे को, दिखने में सही लग रहा है। भाई मैं जा रहा हट वे, मेरे को चाहिए नहीं, बाहर निकलो, बाद में खरीदेंगे, पहले इसके लिए पूरा सिस्टम बना लो उसके बाद करेंगे। सो गाइस आज के एपिसोड में बस इतने रखते, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। 9K पहुंचाने का अब तुम लोग का जिम्मा दे रहा हूँ, 9K तक पहुंचाओ, कैसे भी करके पहुंचाओ, फटाफट से करो भाई, बहुत मेहनत लगती है यार, रैंच के मजाक थोड़ी है, तुमको लगता है भाई 30 मिनट का वीडियो, भाई उसके लिए 2.5 घंटे की मेहनत है, 2.5 घंटे की। अगर आपने लाइक कर दी तो थैंक यू सो मच, नहीं किया तो फटाफट से कर दो। और हैंक आर्मी से जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट सब्सक्राइब दी चैनल और हैंक आर्मी में जुड़ जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।